आपने जिस प्रकार से जो ट्रेनिंग करी है वो की ट्रेनिंग है, और गोमय का मतलब गाय का गोबर जो प्राप्ति गाय से हो रहा है, तो हमें प्रथम अपना कोई भी उससे संबंधित कार्य करने जा रहे हैं तो हमें गाय का पूजन अवश्य करना चाहिए। कन्हैया की आरती, कन्हैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की, जहाँ से प्रगट भई सृष्टि करे नित पंच गव्य भ्रष्टि, सकल पर रक्ति समदृष्टि, जीवन का रंग जीने का ढंग बताती बात बधैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती, दुलारी कृष्ण कन्हैया की, तुमी हो अमृत की नाभि, समन करती हो विष का भी, तुम्हारी मूरत ममता की, तुम्हारी झलक रहे ना अलग, चल पथ नाथ न थैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती, दुलारी कृष्ण कन्हैया की, तुम्ही से संभव है खेती, सभी के दुखड़े हर लेती, सभी घर आनंद कर देती, भव्य दिव्यता आवे हैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की पानी आरती गैया, कृष्ण कन्हैया की भागवत ज्ञान तुम्ही करती, तुम्ही दुखियों के दुख हरती, तुम्ही से सुखी है ये धरती, तुम्ही हो संत करो दुख अंत, शरण बेहतर निखिवैया की, दुलारी की आरती किया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। बोलिए श्री जगत जननी गौ माता की जय, जय श्री राधे श्याम। पहला, तो आप गाय के गोबर से कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है, कंडे बना के छोटी छोटी कंडियां बनाओ, गोल गोल कंडियां बनाओ, गोल गोल कंडियां बनाओ, 50 पैसे की एक कंडी मैं आपसे खरीद लूंगा। हाँ, हम 50 पैसे की कंडी आपसे खरीद लेंगे, आप जितनी कंडी बना सको बनाओ। भैया बहुत बड़ा मार्केट है इसका, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ जो मैंने सीखा उसको प्रैक्टिकल किया। हमने ये जो आप देख रहे हैं ये सारी मशीन, ये फैक्ट्री है एक तरीके से। काय की फैक्ट्री है? गोबर की फैक्ट्री। यहाँ पे जो काम होते हैं वो गाय के गोबर, ये मशीनें कुछ और करती नहीं है, इन मशीनों का काम ही गाय के गोबर को यूटिलाइज करना है। आपको पता है बड़े बड़े मंदिरों में जहाँ पे हवन होते हैं वहाँ हम गाय के गोबर की लकड़ी बनाते हैं, बड़ी बड़ी वो लकड़ियाँ बेचते हैं। तो कहने का अर्थ आप कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, दीपावली पे दीपक जलते हैं,
हम अपने घर में कुछ नहीं कर रहे भैया, हम तो 11 बजे से 4 बजे तक दीपक बनाने का काम करेंगे। गोबर हमारे पास है ही है, थोड़ा सा गोबर लेंगे, थोड़ा सा अन्य सामग्री लेंगे जो भी होती है, उसको मिलाएंगे, दीपक बनाएंगे। और यदि आपका एक दीपक 50 पैसे में बिक गया, आपने 6 महीने में 1,00,000 दीपक बना लिए, ठीक है, और 1,00,000 दीपक मैंने आपसे 50 पैसे या 60 पैसे के हिसाब से मैंने खरीद लिए, 1,00,000 दीपक खरीदूंगा मैं 60 पैसे के हिसाब से, 60,000 रुपये आपको आ गया, कितने दिन में आ गया? 6 महीने में। और वैसे आप गोबर को कहाँ फेंक के आ रहे हो? पता नहीं कहीं पड़ा है, वो तो डाल दिया हमने कहीं भी, हैं, खेतों में भी नहीं ले जाते आजकल, तो यूरिया का काम करते हैं, उसी से बीमारियां भी होती हैं, हैं, इसलिए नहीं, कोई गोबर की होनी चाहिए। गाय के गोबर से आप धूप बत्ती हाथों से बना सकते हैं, हवन सामग्री मिलाओ, गाय का गोबर मिलाओ, हैं, जलने वाली चीज़ें आपको प्रशिक्षण में बताई गई होंगी, तो उनको मिला करके आप हाथ से धूप बत्तियों का सांचा इनके पास होता है, उस सांचे से धूप बत्तियाँ बनाओ, और आपकी बनी हुई धूप बत्ती 200 रुपये किलो मैं खरीद लूँगा। 4 काम ऐसे मैं आपको बता दिया, ऐसे 150 प्रकार के कार्य हैं, 150 प्रकार के ऐसे कार्य हैं जिनको आप घर बैठे गाय के गोबर से कर सक, आपने जो प्रशिक्षण लिया है ऐसा दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता जो आपने लिया है या जो लेने वाले हैं आगे। आप इस प्रशिक्षण को लीजिए, अपने घर के अंदर आप कुछ भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने सर से या जो भी आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं उनसे आप ये चर्चा करें कि हम क्या क्या बना सकते हैं। आप दीपक बनाएं, आप धूप बत्ती बनाएं, आप भस्म बनाएं, आप कंडी बनाएं, हाँ, आप हमारे से साथ शुभ लाभ बना सकते हैं, गणेश जी बना सकते हैं। देखो हम क्या करते हैं, गणेश जी बनाते हैं और विदेशों में भेजते हैं, क्या करते हैं उस गणेश जी के अंदर, आप लोग बाजार से गणेश जी लाते हो, लक्ष्मी गणेश, लक्ष्मी गणेश लेके आते हो, दीपावली पे रखते हो, जो पुराने वाले हैं ना उनसे कहते हो चलो फूटो, और उनको कहाँ भेज देते हो, किसी भी गंदी जगह पे भी डाल देते हो, 1 साल के बाद आप उसकी इज्जत नहीं करते, भगवान कैसे आपकी इज्जत कर लेगा। दूसरा ले आते हैं, उस दूसरे को भी हम, वो PUP के होते, केमिकल के होते हैं, हम पानी में भी डालते हैं, नुकसान होता है। ये जो गणेश जी हैं, लक्ष्मी गणेश जी आप बनाओ, उनके अंदर पौधों के बीज डाल दो। आपके गांव में बरसात के बाद न्योमोरी होती है नीम की, फिर वो सूख जाती है, वो बीज बन जाता है, उसको मूर्ति में डाल दो, और 1 साल के बाद हम अपने लक्ष्मी गणेश घर में रखते हैं, उस लक्ष्मी गणेश को 1 साल के बाद जब हटाएं तो किसी गमले में डाल दो, उस पर पानी डालते रहेंगे तो पौधा निकल के आ जाएगा। अच्छा काम हो गया ना, हमने प्रकृति को सही कर दिया। अगर आप पानी में, नदी में भी डाल दोगे तो वो किनारे पे लग जाएगा, किनारे पे लग जाएगा, उसको जब पानी मिलेगा तो फिर पौधा निकल के आ जाएगा। हम प्रकृति को भी सही कर सकते हैं, हम जल, जीव, प्रकृति, पर्यावरण यदि बचाना है तो हमें गाय से हम इसको बचा सकते हैं। कि अपन एक गाय रखते हैं तो उस गाय का अपन दूध पी सकते हैं, उसके कंडे बेच सकते हैं, और भी अच्छा अगर अपने अंदर दिमाग है और टाइम है तो हम उसके छोटी छोटी 16-17 प्रकार की तो ऐसी आइटम है जो इन्होंने अपने वहाँ ट्रेनिंग में भी बताया, जैसे मोर पंख, गणेश जी, दीपक के अलावा और बॉक्स बनाना, तो आपके पास टाइम है तो आप इस तरह की चीजें बनाइए, यूनिक बनाइए, उनमें कलर भरिए। ये सब चीजें, कुछ चीजें तो आपकी ऐसी है जैसे सर ने बताया किलो के हिसाब से जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर आपसे अच्छी बन गई तो उनकी कीमत नहीं होती, सामने वाले को पसंद आना चाहिए, वो पता नहीं कितनी महंगी मिल जाए। तो आप अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलिए और उन चीजों को कुछ बनाने लगिए। आपके पास जितना भी टाइम होता है घर पे, अपने घर का काम करके, पशुओं का काम करके, खेत का काम करके, घर की जिम्मेदारी, उस 2-4 घंटे में आप अपने उस गोधन से, गोबर से
कुछ ना कुछ बनाइए और कुछ नया सोच के बनाइए, क्योंकि सबसे बड़ी सर ने बताया था कि इंटीरियर डिजाइनर, आपने कभी देखा है कि घर में पुरुष अपने घर को सजाता हो, कौन सा पर्दा कहाँ लगेगा या कौन सी चीज़ कहाँ रखे, गमला कहाँ रखे, फ्रिज कहाँ रखे, या तकत है या उसमें कौन सा चद्दर कैसे। है ना, हमने मूर्तियों से सांचे भी बनाते हैं, सांचा बनाया और फिर वही जो घर में आपको, वो भी मैं बोला हूँ एक माता जी को कि जो आप घर के अंदर लीपने के लिए व्यवस्था करते हो वही चीज़ ये है। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, सांचे में डाल दिया और सांचे में डाल के इस प्रकार से निकाल दिया। हमने हाथ की मशीन बना रखी है और आप जैसे लोग क्या करते हैं, आते हैं हम उनसे राशि पूछ लेते हैं, भैया कितने का तुम बनाओगे एक, और हमारा सब मामला सही रहता है तो हम उनसे ऐसे दीपक बनवा लेते हैं बहुत सारे, ये गोबर के दीपक, डिजाइन के दीपक हो गए, ये जल जाएगा तो भी प्रकृति को फायदा करेगा, नहीं जलेगा तो भी कोई नुकसान नहीं करेगा। कहने का मतलब है हमने चीज़ को यूटिलाइज कर दिया, चीज़ का उपयोग कर लिया। अब आप जैसे ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं, ये शिवलिंग है, हैं, अरे भाई लोग विदेशों में अपने घर के अंदर सजाने के लिए रखते हैं इनको, तो ये शिवलिंग रख दिया। अब देखो ये, और हाथ से बनाना है तो ये रिंग लगी हुई है, ये इसको घुमाएंगे तो ऊपर जाएगा, इसमें माल भरने भर देंगे। हाँ एक बना के दिखा दो। हाँ हाँ।